Hello everybody, good evening. Welcome to Baijung's Exam Prep YouTube channel. I, Dr. Hina Davo, welcome all of you to the session. I hope the VVP is completely fine, students. So, aap log mujhe dekh pa rahe, sun pa rahe, and the PPT is also visible to everyone. So, ek bar please jaldi se confirm kar dijiye sabhi log, is the VVP fine? And once again, welcome to Baijung's Exam Prep. That is the most comprehensive preparation platform for all examination. Good evening to one and all. So quickly join for the session everybody and good to see you people, you know, always are on time. तो आप में से जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स है ना वो आप नोटिस करेंगे एक इस आज नहीं हमेशा ही सबसे पहले सेशन में पहुंचते हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर देते हैं. तो ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना ये हमेशा ही रेगुलर है. इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे सत्यव्रता है, अतुल है, देन वी हैव वीरेंद्र, वी हैव सुजाता, वी हैव शिल्पा, वी हैव श्वेता, तो उपमा, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ही रेगुलर रहते हैं, सोनाली. सो ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू फॉर द सेशन. गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू द सेशन. मेरा नाम है डॉक्टर हिना रावर एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आज हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप को, जो कि है सबसे मुश्किल यूनिट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट. इसी के साथ आज आपकी प्रियंका मैम के साथ वर्कशॉप भी है, 8 PM 16th of August को आपकी वर्कशॉप है, जरूर जाइएगा क्योंकि एजुकेशन की वर्कशॉप आपको नेचुरली हेल्प भी करेंगी एंड देन यू विल आल्सो गेट टू नो कि अगर आप 97% स्टोर करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए. चलिए तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, प्लीज इसको जरूर ज्वाइन करिएगा. इट्स बाय द नेम ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना एंड डॉक्टर प्रियंका. सब्सक्राइब कर दीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल को ताकि अगेन आपको पेपर वन और पेपर टू के अपडेट्स इसी तरह मिलते रहें. साथ में ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज यहाँ कॉल कीजिए अगर आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप रैपिड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं. ठीक है, फ्री लाइव सेशंस के लिए इसी तरह आपको जुड़ना है मेरे साथ ट्यूसडे थर्सडे को 6:30 PM ऑन यूट्यूब और मंडे को ऑन दी ऐप एट 6:30 PM. सो मेक श्योर आप फ्री लाइव सेशंस कभी मिस ना करें और ऐप के तो कभी मिस मत कीजिए बिकॉज वो बहुत लिमिटेड रैंक के रहते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं. तो आज का ये जो सेशन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है. क्यों, रीजन पूछे, रीजन क्या हो सकता है? रीजन बेटा ये है क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट यूनिट में से एक है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट, पहली बात. दूसरी बात ये है यहां से आपके पास 12 क्वेश्चंस रहते हैं, कम भी हो सकते हैं, 11 से 12 क्वेश्चन लगा लीजिए, 10 से 12. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत बार देखा गया है कि पैसेज क्वेश्चन भी यहीं से आ जाता है. तो भैया इस यूनिट को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यू नो एक्चुअली इग्नोर दिस यूनिट और मिस दिस यूनिट, क्योंकि एक तो सबसे डिफिकल्ट है, दूसरी चीज 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तीसरी चीज यहाँ पे आपको पैसेज भी पूछा जा सकता है. तो यानी कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इस यूनिट को. क्लियर टू एवरीबॉडी? सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस यूनिट, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते. और आज के सेशन की खास बात क्या है, मैं आपको सारे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने वाली हूँ. सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं आज रिवाइज इन अ वेरी क्विक मैनर, यानी सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे, उसके उनमें से क्वेश्चन 100 नहीं 1000% आए. तो आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज रिवाइज करेंगे. तो पहली चीज देखो जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, ध्यान से समझिएगा. शैल वी स्टार्ट एवरीबॉडी? तो जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए क्या हम शुरू कर दें सेशन को. कम ऑन एवरीबॉडी, राइट इन द चैट बॉक्स, शैल वी स्टार्ट विद द सेशन एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? सो आई गेस अभी तक जिन्होंने भी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा पहले तो वो कर दीजिए. जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो क्विकली जाइए सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड सेशन में नहीं आ पाए हैं वो भी फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर. तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. तो सबसे पहली चीज़ आती है मैम यूनिट का नेम क्या है. यूनिट का नेम है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप.
यानी हम इन चारों वर्ड्स को डिफाइन करें। एजुकेशन यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं, यानी कि कंप्लीट सिस्टम। जिस सिस्टम में आपका स्कूल आता है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंचार्जेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्लस आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग आते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है वो लोग जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैनेजमेंट मीन्स द अथॉरिटी, द हाईएस्ट वन व्हिच इज गोइंग टू सेट अप द गोल्स। ये गोल्स किसके लिए होंगे? ये गोल्स जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये गोल जो हम एजुकेशन सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये गोल जो हम स्कूल की ग्रोथ से रिलेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ये टीम जिसमें इंक्लूड होगा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज और आपका मैनमेड रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करोगे टू अचीव द गोल्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द गोल्स यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड यूजिंग द अदर रिसोर्सेज। यानी मैन पावर और अदर रिसोर्सेज को यूज करके किस तरह से आपने अपने गोल्स को अचीव करना है। एंड लीडरशिप मीन्स टू लीड, टू डायरेक्ट। यानी जब आप कोई गोल अचीव कर रहे हो तो आपकी टीम को लीड कौन कर रहा है? हु इज द वन हु इज एक्चुअली यूजिंग द पावर। अब ऐसा इंसान या तो टास्क की तरफ फोकस्ड हो सकता है या रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है, या फिर वो दोनों की तरफ फोकस्ड हो सकता है, ठीक है, जो आपको लीड करेगा। तो ओवरऑल आप इस यूनिट में यही पढ़ने वाले हैं जिस समय आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देखा कितना इजी हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट मैप के जरिए सब चीजों को समझना? एम आई राइट? सबको इजी लग रहा है? फाइंडिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड? अमेजिंग एवरीबॉडी, चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ तक सबको हर चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी है तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको ये बता रहे हैं हम, यस सी, तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक अच्छे लीडर, लीडरशिप की बात अगर हम करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसका मीनिंग होता है टू लीड, टू डायरेक्ट या फिर टू गाइड। यानी आपको आपके गोल्स तक लेके जाना क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज योर लीडरशिप। क्लियर? द वन हु इज गोइंग टू लीड यू, डायरेक्ट यू इन द डायरेक्शन कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। क्लियर? यानी लीडरशिप क्या करता है? अपने स्टाइल, लीडर अपने स्टाइल को यूज करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंच पाए। एंड एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल को चूज करता है। क्लियर? तो प्लीज ये मत कहिए मैम कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा, बिकॉज बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। लीडरशिप स्टाइल वही बेस्ट होता है जो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। यानी लीडर कैसा हो? डायनामिक हो, जो सिचुएशन एंड नीड्स को समझे। क्लियर? तो लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है? एक लीडर के पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए, गोल की तरफ फोकस्ड और साथ साथ में अपने एम्प्लॉयज के साथ उसका रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आपके गोल तक आपके एम्प्लॉयज ही लेके जाते हैं, तो आप उनकी नीड्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर? सो यस, दे शुड यूज देयर विजडम, दे शुड हैव इंटेलिजेंस, गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। तो हेल्थ नहीं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी आएगा साथ में। उनके पास गुड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी सिर्फ आउटर लुक्स नहीं होता, पर्सनैलिटी द वे आप सिचुएशन से डील करते हो। कंपनी की तरफ लॉयल्टी, आपके पास तुरंत डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना एंड गोल की तरफ फोकस्ड।
तो कुछ लीडरशिप स्टाइल्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं. क्लियर टू एवरीबॉडी? चलें आगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला है फ्यूडल लीडरशिप स्टाइल. फ्यूडल लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है जहां पर आप अपने लीडर को अपना भगवान का दर्जा देते हैं. तो लीडरशिप स्टाइल जहां पर आप अपने लीडर को बिल्कुल भगवान का दर्जा देते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि जो आपका उनके साथ रिलेशनशिप है वो एक लॉर्ड लॉर्ड के साथ जो रिलेशनशिप रखा जाता है, आप उस नजर से उस रिलेशनशिप को देखते हैं फ्यूडल के केस में. सो लाइक अ रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शन जो कि एक लीडर और एक फॉलोअर या एक सबॉर्डिनेट के बीच में होती है, वो होती है कि ये मेरे मालिक है. ठीक है, तो दैट इज जस्ट लाइक अ लॉर्ड एंड हिज इज सब्जेक्ट. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये होता है आपका फ्यूडल लीडरशिप, जो पहले वाला है, द फर्स्ट वन, दैट इज योर फ्यूडल लीडरशिप. क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए. द नेक्स्ट लीडरशिप इज पेटर्नलिस्टिक. पेटर्नलिस्टिक का मतलब होता है फादर लाइक इमेज, यानी एक लीडर कैसे हैं, एक लीडर आपके साथ बहुत ही आपके फादर फिगर की तरह है, जो आपको सही गलत भी बताते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं और आपको अपना बेस्ट लाने में हेल्प भी करते हैं. क्लियर? डिक्टोरियलशिप का, डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल का मतलब जो होता है डिक्टेटरशिप का, दैट इज बेसिकली अथॉरिटेटिव इमेज. अथॉरिटेटिव का मतलब होता है आप एक तरह से समझ लीजिए तानाशाही, जो चीज कह दी गई आपको माननी है, आप उसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, आप उसको काट नहीं सकते. सो बेसिकली आपको जो कह दिया गया आपको उसको करना ही करना है. पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है मिलकर, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे. तो यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो हर एक सबॉर्डिनेट को इक्वालिटी देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, और डिसीजन मेकिंग में खाली लीडर नहीं रहते, सब लोग मिलके डिसीजंस लेते हैं. क्लियर? ब्यूरोक्रेटिक की खास बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वो स्टेट ऑफिशियल्स के पास होती है, और एक हायरार्की के अंदर आपकी पावर डिवाइडेड होती है, यानी सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे. सो ब्यूरोक्रेटिक मीन्स द मेन पावर इज इन द हैंड ऑफ द स्टेट ऑफिशियल. ठीक है, जहां पे स्टेट ऑफिशियल विल टेक द कंप्लीट डिसीजन. देन करिज्मेटिक का मतलब होता है आपका अपना ऑरा, आपके पास ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि करिज्मेटिक अप्रोच कहती हैं, कि आपके पास बाई बर्थ आपके पास ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, जो आपको एक अच्छा लीडर बनाते हैं, आपकी यूनिकनेस. जैसे स्वामी विवेकानंद जी में बाई बर्थ ही देखा गया था कुछ अलग था सामान्य इंसान. ठीक है, महात्मा गांधी जी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जिसको आप ये मानते हो उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है और हमसे बेटर स्किल्स डेवलप्ड है. क्लियर? तो वन वर्ड में याद रखेंगे, फ्यूजल के केस में द रिलेशनशिप इज लाइक द लॉर्ड एंड हिज एम्प्लॉय या लॉर्ड एंड हिज सब्जेक्ट. ठीक है, पेटर्नलिस्टिक इज जस्ट लाइक योर फादर. ठीक है, डिक्टोरियलशिप जिसको आप बोलते हैं अथॉरिटेटिव इन नेचर. ठीक है, पार्टिसिपेटरी मीन्स टूगेदर. ब्यूरोक्रेटिक मीन्स हायरार्की स्टेट ऑफिशियल. देन करिज्मेटिक मीन्स योर इनबॉर्न ट्रेट्स. ठीक है, और लास्ट आता है एक्सपर्ट, दैट मीन्स जिसके पास नॉलेज और स्किल्स हमसे ज्यादा बेटर डेवलप्ड है. क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप ये लीडरशिप स्टाइल सबको क्लियर हो गए होंगे.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, जो कि है आपके लीडरशिप स्टाइल्स। अभी जो पीछे आपने पढ़ा है वो थे लीडरशिप के टाइप्स, अब आप पढ़ रहे हैं लीडरशिप के स्टाइल्स। ठीक है, किस तरह से आप लीड करेंगे। ऑटोक्रेटिक, जो कि सेम है तानाशाही डिक्टेटरशिप से, जहां पर जो लीडर ने कह दिया आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसा कह दिया गया आपको उसे मानना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक मीन्स मिलकर, टुगेदर, आप सब मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन लेजिस फेरे का मीनिंग होता है आपके पास फ्रीडम है लेकिन सिर्फ अपने सेल्फ के डिसीजंस के लिए, यानी आप काम कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या कंपनी में बैठ के करना चाहते हैं, या फिर आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, जो डिसीजंस आपसे रिलेटेड है आपके पास उनको लेने की फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक मीन्स टुगेदर यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, बट लेजिस फेयर मीन्स आप अपने काम से रिलेटेड जो भी डिसीजन है आप उनको ले सकते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू योर वर्क टाइप, योर वर्क शेड्यूल, योर वर्क क्राइटेरिया। सो लेजिस फेयर मीन्स रिलेटेड टू योर सेल्फ, जो आप डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर? बाकी तो दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर थे। अब आ जाइए आप कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए कि आप मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। सो मैनेजमेंट के लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड का मीनिंग ही यही है कि आप बहुत ही बारीकी से, इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ, आप एक एक स्टेप को डिजाइन करते हैं। ठीक है, जो कि आपको गोल्स तक लेके जाता है। यानी एक एक पॉइंट की क्लैरिटी के साथ आप अपना डायग्राम तैयार करते हैं कि किस ऑर्डर में मुझे मूव करके अपने गोल तक जाना है। दैट इज कॉल्ड एज योर क्रिटिकल पाथ मेथड, जहां पर आप अपनी एक एक एक्टिविटी को स्केड्यूल करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड, और प्लस आप उसमें टाइम मेंशन करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा हर एक स्टेप को कंप्लीट करने में। क्लियर टू एवरीबॉडी? टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट एवरी स्टेप, यू हैव टू मेंशन इट, और उस टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते, उस नेटवर्क डायग्राम को आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आपका जो फोकस है वो गोल के ऊपर है, गोल कंप्लीशन के ऊपर, और इसी रीजन से आप उसको एक्टिविटी ओरिएंटेड कहते हैं। यानी आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे मुझे 6 दिन लगेंगे, यहाँ पे मुझे 3 दिन लगेंगे, यहाँ पे मुझे 1 दिन लगेगा, तो टोटल 9 डेज में मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी आपका फोकस सिर्फ एक स्टेप नहीं है, सारे स्टेप्स को पूरा करते हुए एंड तक आना। इसी रीजन से आपके पास ओनली वन टाइम एस्टिमेशन है एंड वन कॉस्ट एस्टिमेशन है, एक ही। ये ऐसा मॉडल है जहां पे टाइम प्लस कॉस्ट दोनों पे फोकस किया जाता है। क्लियर? वही जो सेकंड मेथड है वो है पर्ट। देखिए, अब आप हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट कब बताएंगे? जब आपको पता होगा ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, तभी तो आप बता पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे कितना समय लगेगा। अगर आप कोई भी काम पहली बार कर रहे हैं तो आप उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। आप हमेशा एग्जैक्ट समय कितना लगेगा इसको काम को पूरा करने के लिए वो तब बता सकते हैं जब आपके पास उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज है या प्रायर एक्सपीरियंस है। यानी जब भी कोई काम आप रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेटिव वर्क, उसमें CPM यूज होता है। क्लियर? वही पर्ट जो दूसरा मेथड है होता है वो तब यूज होता है द वर्क विच इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, यानी जिस काम को आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? जहां पे आपको नहीं मालूम कि आपको कितना समय लगेगा, जहां पर आपका गोल से ज्यादा हर एक स्टेप को पूरा करने पे ध्यान रहता है, दैट मीन्स इट इज इवेंट ओरिएंटेड। यानी वो एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं है, वो इवेंट ओरिएंटेड है।
एंड इसी रीजन से यहाँ पे सिर्फ टाइम पे फोकस किया जाता है, और टाइम भी तीन तरह का होता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव, मोस्ट लाइकली यानी कि इक्वल टू, एंड पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आप कम समय लगा रहे हो, आपने सोचा मैं 6 डेज में कंप्लीट करूंगा, आपने कंप्लीट 4 डेज में कर लिया। इक्वल टू, आपने 6 सोचा, 6 में कर लिया। पैसिमिस्टिक, आपने 6 सोचा बट आप 8 डेज में उसको कंप्लीट कर रहे। क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी हो गई है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन दो बिटवीन द टू, इन चारों ही टॉपिक में से क्वेश्चन 10,000% आएगा। जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें भी आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में कि जो नेटवर्क डायग्राम होता है वो पर्ट के केस में ज्यादा यूज होता है या फिर सीपीएम के केस में ज्यादा रिजिड होता है, बताइए कौन से में ज्यादा रिजिड होगा। अब मैंने इतना समझा दिया, आई होप आप सबको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। कैन यू टेल मी कब होगा? वेरी गुड एवरीबॉडी, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसका करेक्ट आंसर सीपीएम होगा। सो सीपीएम के केस में जो नेटवर्क डायग्राम होगा उसमें आप कुछ खास चेंजेस नहीं कर सकते, तो दैट इज मोर यूज इन द केस ऑफ सीपीएम। चलिए तो लीडरशिप मॉडल्स में हम पहले चलते हैं हर्शेज एंड ब्लैंकार्ट का, जो इफेक्टिव रहेगा यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच कर आपको अपना लीडरशिप स्टाइल पिक करना चाहिए। तो इसी रीजन से इसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। अगेन यहाँ पे दो पैरामीटर्स को पिक किया जाता है, एक लीडर के लिए टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप। क्लियर? तो जो पहला होता है डेलीगेटिंग स्टाइल, इसका ये मीनिंग होता है कि लीडर जो है उसको ना तो टास्क से कोई मतलब है और ना ही रिलेशन, काम की तरफ आप फोकस्ड हो लेकिन रिलेशनशिप की तरफ आप फोकस्ड नहीं। क्लियर टू एवरीबॉडी? था ना सिंपल ये मॉडल, और आप लोगों को मुश्किल लगता है, हार्डली 2 मिनट लगे इस मॉडल को कवर करने। सो देखा, इट वॉज अ क्वाइट इजी मॉडल टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट मॉडल पे आ जाइए। नेक्स्ट मॉडल है आपका लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर थ्योरी गिवन बाय फ्रेड फ्रेडलर। बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर थ्योरी यानी जिनके साथ आप काम करना नहीं चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू वर्क विद देम, गिवन बाय फ्रेड फ्रेडलर। क्लियर टू एवरीबॉडी? होता क्या है, आपको उस इंसान का नाम सोचना होता है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू वर्क, एंड यू हैव टू रेट दैट पर्सन फ्रॉम -8 to +8। आपको कई सारे ट्रेट्स बता दिए जाते हैं, आपको उन ट्रेट्स को मार्क करना होता है फॉर दैट पर्सन, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इस तरह से आपको कई सारे ट्रेट्स बताए जाते हैं जिस पे आप एक इंसान को मार्क्स देते हो -8 से लेके +8 तक। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जिसको आप -8 से 0 की तरफ मार्क्स देते हो, यानी ऐसा इंसान टास्क की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, वो स्केल ऐसे डिजाइन है, और जिसके मार्क्स 0 से +8 की तरफ होते हैं, दैट मींस ऐसा इंसान रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। अगेन लीडर की क्वालिटीज यहां भी दो है, टास्क की तरफ या फिर रिलेशनशिप की तरफ। क्लियर? तो इसे आप 0 से -8 को आप बोलते हो लो एलपीसी, -8 से 0 को आप बोलते हो लो एलपीसी,
लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्कोर, जिसको आप टास्क ओरिएंटेड कहते हो, और 0 से +8 की तरफ आप बोलते हो हाई एलपीसी, जिसको आप रिलेशनशिप की तरफ फोकस्ड कहते हो। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हाई एलपीसी बताता है कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, लो एलपीसी बताता है आपको टास्क चाहिए। क्लियर? आई होप ये सबको विजिबल है अच्छे से। चलिए, क्लियर? तो यहाँ पर भी हम कुछ चीजों को लेके चलते हैं। पहला है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, जो मैंने अभी बताया कि एक लीडर अपने एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप के साथ कितना कंसर्न्ड है, उनकी नीड्स को लेके कितना कंसर्न्ड है। दूसरा, आप टास्क की तरफ कितना कंसर्न्ड है। एंड तीसरा, आप लीडर होने की पावर को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सो किस एक्सटेंट तक आप लीडर होने की अपनी पावर को सामने वाले के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी उसको डरा धमका रहे हैं या उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसी के साथ अब हम मूव करते हैं रेडिन की थ्योरी की तरफ। तो इतनी देर में अगर आप में से किसी ने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले फटाफट से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एवरीबॉडी क्विकली गो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आई गेस आपने नहीं लिया होगा। यानी आज के सेशन में आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप में से कोई भी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल अबाउट इट। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट पे आ जाइए। रेडिन के द्वारा दिया गया ट्राई डायमेंशनल ग्रिड, तो नाम से ही पता लग रहा है ये किसने दिया है, प्रोफेसर बिल रेडिंग ने। और खास बात क्या है, ये 3D मॉडल है। यानी हमारे पास कितने फैक्टर्स होंगे, हमारे पास होंगे टोटल 3 फैक्टर्स। क्लियर? तो 3 फैक्टर्स में से आपको पहले ही पता है, फैक्टर नंबर 1 होता है कि आप टास्क की तरफ कितना फोकस्ड है, फैक्टर नंबर 2 होता है आप रिलेशन की तरफ कितना फोकस्ड है विद योर एम्प्लॉयज, और टास्क नंबर 3 होता है कि जो भी आप स्टाइल पिक कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव स्टाइल है, जो भी लीडरशिप स्टाइल आपने चूज किया हाउ मच इफेक्टिव इज इट। तो पहला है टास्क की तरफ ओरिएंटेड, दूसरा है रिलेशनशिप की तरफ, एंड तीसरा है हाउ मच इफेक्टिव इज योर स्टाइल। क्लियर? तो अगेन इसमें भी होते हैं 4 तरह के स्टाइल्स। पहला है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है आप रिलेशनशिप की तरफ हाई हैं। रिलेटेड रिलेशन एक ही वर्ड से निकला है ना, कि जिससे आप रिलेशन रखते हैं, ठीक है। और टास्क की तरफ आप लो होते हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान रिलेशन में होगा तो टास्क की तरफ तो नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेटेड यानी टुगेदर, सबको साथ लेके चलना, यानी हाई ऑन रिलेशन एंड हाई ऑन टास्क। क्लियर टू एवरीबॉडी? इंटीग्रेटेड टुगेदर, एक साथ। नेक्स्ट इज सेपरेटेड, अलग अलग, तू अलग मैं अलग, हम अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि आप टास्क की तरफ क्या हो, लो हो, और आप रिलेशनशिप की तरफ भी लो हो। आप कह रहे हो हम सब अलग अलग है, तू अलग काम कर, तू अलग काम कर, दैट मीन्स सब मिलके काम नहीं कर रहे, सब टास्क की तरफ फोकस नहीं हो। बिकॉज अगर टास्क में गोल अचीव करना है तो काम मिलकर करना पड़ेगा एज अ टीम। और डेडिकेटेड मतलब भाई मेरे लिए टास्क सब कुछ है, मेरे कंपनी के गोल सब कुछ है, रिलेशनशिप मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए गोल्स मैटर करता है, मेरे लिए जीआरएफ मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं करता। तभी मैं कहती हूँ डेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ पे ओवर हो जाता है आपका रेडिंग का मॉड्यूल। कितने इजी है सब, और आप लोग ऐसे ही डरते रहते हो, सब कुछ कितना इजी है और आप ऐसे ही डरते हो बिना बात के। चलिए, इसी के साथ आते हैं आज के लास्ट मॉडल पे, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन रहता है, ब्लेक एंड मोंटन मैनेजीरियल ग्रेड। तो ब्लेक एंड मोंटन द्वारा दिया गया मैनेजीरियल ग्रेड, किसने दिया है, ब्लेक एंड मोंटन ने। तो पहला होता है इम्पॉवरिश्ड, अगेन 2 फैक्टर्स वही है, टास्क एंड रिलेशन। तो पहला क्वाड्रेंट है इम्पॉवरिश्ड, यानी कि कहीं पर भी ध्यान नहीं, लो ऑन टास्क लो ऑन रिलेशनशिप। दूसरा है पेरिश और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कुछ लेकर आओ, यानी टास्क की तरफ आप हाई हो, रिलेशनशिप की तरफ आप लो हो।
थर्ड इज कंट्री क्लब. कंट्री क्लब, क्लब में आप सब मिलकर जाते हो डांस पार्टी करने, यानी आपके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं लेकिन टास्क मैटर नहीं करता है. टास्क में आप लोग हो एंड टीम टुगेदर, ठीक है, मिलकर काम कर रहे हो, यानी आप टास्क की तरफ भी हाई हो, रिलेशनशिप की तरफ भी हाई हो. एंड मिडिल ऑफ द रोड का मतलब होता है एवरेज. आप दोनों ही तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, दोनों ही तरफ आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ पे दोनों लो होते हैं या दोनों हाई होता है, टास्क और रिलेशन, ठीक है. बट यहाँ पर टास्क डाउन होता है, रिलेशनशिप हाई होता है. यहाँ पे टास्क हाई होता है और रिलेशनशिप लो होता है. और जो मिडिल ऑफ द रोड का मीनिंग होता है एवरेज, आप दोनों साइड बैलेंस नहीं कर पा रहे. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंडरफुल एवरीबॉडी. तो इसी के साथ हम आते हैं आज के सेशन के एंड पर. जिसने भी सेशन को नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज 10,000% यहाँ से क्वेश्चन आएगा. और यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने कवर करे हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अब थर्सडे को अगेन यूट्यूब पर. सो आई विल ज्वाइन यू अगेन थर्सडे ऑन यूट्यूब विद अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. प्लीज उसे मिस मत कीजिएगा. तो अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी थर्सडे को यूट्यूब पे फिर से 6:30 PM पर. तो इसी तरह मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहिए और कभी भी सेशन को मिस मत कीजिए. सेशन को कभी भी भूलिए मत ज्वाइन करना, बिकॉज ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी वैल्यू आपको तब पता लगेगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे. उससे पहले हमें लगता ही ऐसा ही है कि भाई क्या हो जाएगा, इस सेशन में क्या होगा. तो चलिए इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझे पुट कर सकते हैं वो डाउट क्वेश्चन क्वेरी टेलीग्राम में या फिर आपके ऐप के डाउट सेक्शन में. एंड आई विल रिवर्ट यू बैक विद इन 24 आवर्स. तो कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है फील फ्री टू आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज आपकी डाउट्स रहेंगी तो हमारे हमारे मतलब इतने एफर्ट्स की कोई फायदा नहीं रहेगा. सो मेक श्योर का जो भी डाउट है आप उसको टाइमली बेसिस पे क्लियर आउट कर रहे हैं. आई होप ये चीज़ सबको क्लियर है. सो मेक श्योर नॉट टू कीप एनी डाउट टिल दैट टाइम. टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग. टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू ऑल ऑन थर्सडे एट 6:30 PM ऑन यूट्यूब. प्लीज अपना रिमाइंडर अभी सेट कर लीजिए ताकि आप में से किसी की भी क्लास मिस ना हो जाए. Take care, bye-bye.